आपके साथ धोखा किसने दिया यह भी सुनिश्चित होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, मंत्री जी का जवाब पूरी स्पष्टता के साथ था। हमने सुना है हमारी सरकार जो कुछ कहेगी वो करके दिखाएगी, ये हम विश्वास दिलाते हैं। हम राजस्थान की जनता के बीच में अगर हमारे किसी भी जनप्रतिनिधि ने जनता के आश्वासन में एक शब्द भी निकाला है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं उस शब्द का जवाब भी हम देंगे। और मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे मंत्री जी का जो जवाब है वो स्पष्टतापूर्ण है कि हमारी सरकार निश्चित मंत्री है ना यार, आपका प्रश्न कह रहा उत्तर दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में वर्ष 2022-23 में 59,18,718 टन एंड 2023-24 में 43,82,760 मैट्रिक टन बाजरे का उत्पादन हुआ। जी नहीं, खरीफ विपणन सीजन वर्ष 2022-23 एंड वर्ष 2023-24 के दौरान प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजरा खरीद का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया। बाजरे का लक्ष्य निर्धारित नहीं होने से खरीद नहीं हुई। खंड 2 उत्तर बिंदु संख्या 1 में समाहित है। खंड 3 जी नहीं, वर्ष 2024 में आने वाली खरीफ फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। माननीय सदस्य, अभी मंत्री जी ने जो जवाब दिया कि बाजरे की खरीद नहीं हुई है, पिछले कई सालों से MSP पर बाजरे की खरीद नहीं हुई है। जब बाजार में बाजरा आता है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि श्री अन्न है, और पूरे देश में सबसे ज़्यादा बाजरा जो है वो राजस्थान में होता है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब बाजार में बाजरा आता है तो 1600-1800 रुपये टन के भाव से बिकता है, और खरीद जब नहीं होती है तो अरबों रुपये का किसान को नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई के लिए कोई योजना सरकार के पास है या नहीं? और दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि राजस्थान में कुल कितने बाजरे का उत्पादन का लक्ष्य है, और कितना टन सरकार खरीदने का लक्ष्य कर रही है? इस हिसाब से किसानों को अरबे रुपए के जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी? अगर ऐसी कोई योजना है तो सरकार मेज पर रखे। मैं माननीय सदस्य के जो विषय है गंभीर विषय है, उन किसानों के लिए जो जागरूकता जो विषय किसानों को लाभ मिले, और इसके लिए जो योजना का आपने विषय पूछा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्री अन्न के लिए हमेशा प्रोत्साहित करने का पूरे भारत में और पूरे विश्व में भारत के प्रधानमंत्री की प्रशंसा हर जगह हुई है माननीय मोदी जी की। अब ये बात राजस्थान में ये सत्य है कि पिछले लंबे अरसे से राजस्थान में बाजरे की खरीदे नहीं की गई है, और आने वाले समय में हमारी सरकार जिस तरह हमने किसानों के लिए काम किया, जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार बनते ही किसानों को बोनस गेहूँ में दिया 125 रुपये क्विंटल, और जिस तरह किसान सम्मान निधि के तहत 650 करोड़ रुपए दिए गए, मुझे विश्वास है आने वाले समय में, क्योंकि आचार संहिता के आने वाले समय में जरूर इस बिंदु पर सरकार गहनता से विचार कर किसानों को राहत अवश्य प्रदान करेगी। एक मेरा पूरक क्वेश्चन हो रहे कि क्या आपके नेता प्रतिपक्ष क्या जब बाजरा हमारे आपके घोषणा पत्र में आपने खरीदने की मांग ही नहीं की। ये नहीं चलेगा, मेरे को यूं कहने की जरूरत नहीं है, मेरे को यूं कहने की जरूरत नहीं है। आसंघ जीत नहीं कर सकते हो, आसंघ सम्मान नहीं करते हो, हाँ नहीं करो, मेरे को भी फिर आता है सम्मान करवाना, मैं सिखा दूंगा।
मैं सम्मान कराना सिखा दूंगा। बैठिए बैठिए। हम विपक्ष में थे, ये प्रश्न पूछा गया कि बाजरे खरीद के लिए राजस्थान सरकार ने क्या कार्रवाई करी, तो जवाब आया कि राजस्थान सरकार तत्कालीन ने कोई कार्रवाई नहीं की। हमारे मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने किसानों के लिए हमेशा प्रयास करने। इनको निकालने का, इनको जो सदन में निकालने का पिस्तौल लाओ, निकालने का पिस्तौल लाओ, जो सदन में लाओ, जो होगा तो देखेंगे। ऐसे क्या है, एक दो को निकालूंगा तब अकल आएगी। सुनो, हमारी सरकार ने किसानों के लिए हमेशा तत्पर रही है, चाहे पेट्रोल डीजल के दाम कम करने हो, चाहे हमारे किसानों को बिजली कनेक्शन देना हो, सरकार तत्पर है। आप लोग जवाब से भागना चाह रहे हो। 15 साल आपके मुख्यमंत्री रहे, आपने खरीदा कभी बाजरा? 15 साल आप मुख्यमंत्री रहे, आपने खरीदा बाजरा कभी? 15 साल आप रहे, करीब 5 साल में आपने, हमारी सरकार जिस तरह गेहूं का समर्थन मूल्य करे, श्री अन्न के लिए कटिबद्ध है, श्री अन्न योजना का सबसे ज्यादा प्रोत्साहन किया, तो हमारी सरकार ने क्या माननीय मुख्यमंत्री? माननीय मुख्यमंत्री जी, 2 मिनट, प्रश्न का समाप्त। प्रश्न का समाप्त आप कुछ कहें? माननीय अध्यक्ष जी, कोई नहीं बोलेगा? माननीय अध्यक्ष जी, ये सदन है, सदन में आवश्यक है प्रश्नोत्तर। अगर प्रश्न किया है तो उत्तर सुनने की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। प्रश्न वो, क्योंकि किसी की तरफ अगर एक उंगली करते हैं तो 4 अपनी तरफ होती है। उसका कारण यह है कि प्रश्न पूछा कि बाजरे की खरीद कितने की है। मैं पूछना चाहता हूं कि बाजरे की फसल अभी आने वाली है, सरकार के बाद शायद ये पहली फसल होगी सरकार बनने के बाद, लेकिन इस बात का भी विचार करना चाहिए कि 5 साल के अंदर हमने उस पर कितना खरीददारी की। मंत्री महोदय का जवाब पूरा सुनने के बाद आपका पूरक प्रश्न आता है। पहले मंत्री जी का पूरा जवाब आप सुनी है कि मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने आगामी बाजरे की फसल के लिए केंद्र सरकार को हमने पत्र भी लिखा है और हमारी सरकार ने आपके समय में एक जगह नहीं, हमें कई जगह धरना देना पड़ा, क्योंकि हरियाणा के किसान को, गुजरात के किसान को, एमपी के किसान को, यूपी के किसान को उस बाजरे को 2300 रुपए का मिला और हमारे किसानों ने उस बाजरे को 1400 रुपए में और 1500 रुपए में हमारा किसान का बाजरा बिका था। आपको करना चाहिए कि अगर आप इस बात को कहते हैं तो किसान के साथ धोखा किसने दिया, यह भी सुनिश्चित होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, मंत्री जी का जवाब पूरी स्पष्टता के साथ था। हमने सुना है हमारी सरकार जो कुछ कहेगी वो करके दिखाएगी, ये हम विश्वास दिलाते हैं। हम राजस्थान की जनता के बीच में अगर हमारे किसी भी जनप्रतिनिधि ने
जनता के आश्वासन में एक शब्द भी निकाला है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं उस शब्द का जवाब भी हम देंगे। और मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे मंत्री जी का जो जवाब है वो स्पष्टतापूर्ण है कि हमारी सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी और हमारे राजस्थान के किसान को बाजरे के लिए लाभ भी देगी। प्रश्नकाल, प्रश्नकाल हो गया। अब मैं मुझे भी कोई व्यवस्था देनी है, फिर आप बैठना, आपको बुलाऊंगा, आपको बुलाऊंगा, आप बैठिए। मैं, अरे दो मिनट मुझे कहना है कुछ, मुझे कुछ कहना है। मैं आज माननीय सभी सदस्यों से बार बार रोज आग्रह कर रहा हूं, वेल में ना आए। आज जो भी वेल में आए माननीय मंत्री जी को कहूंगा उसे संज्ञान लें और उसके बाद आवश्यकता पड़े तो आप उनके लिए प्रस्ताव भी ला सकते हैं। बोलिए। क्या माननीय अध्यक्ष महोदय, आप आवश्यकता पड़ी तो यह भी करूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, आप कृपा रखो, नाराज मत हो।